geçti. Oğlum ben canım kimiram desa ki anam ya mesela gaya. Çaksurimritam jena tasme sri gurave nama. Gurave gaura chandraya radhikaya yaistadalaye. Krishnaya krishna bhaktaya tadbhaktaya namo nama. Vancha kalbudarubhasa kripa sindhu bhayocha. Patitanam pavanebho vaisnavibho namo nama. Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratuse Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Vrindai Tulasi Devai Priyai Kesavasacha Krishna Bhakti Prada Devi Satyavatai Namo Namo Kadachit Kalni Tatadvipina Sangita Tarala Muda Abhiri Nari Bandat Bhagana Kamala Aswada Madhupa Rama Sambhu Brahma Amarapati Ganesha Architapata Jagannatha Swami Naina Pathagami Bhavatume Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Jai Jagannath Mahaprabhu Ki Jai Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Nitalila Bravishnam Vishnu Padashto Tarasata Sri 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 Madhu Bhakti Sriro Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charno Kamalami Anant Koti Sashtang Dandavat Pranam Karta Tat Pashyat Mere Sikhya Guru Pad Padma Nitalila Bravishnam Vishnu Pad Ashto Tarasata Sri 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 Madhu Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Ki Charno Sarajami Shraddha Pushpanjali Arpan Karta उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हाँ, आज हम लोग अभी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का अनवसर है. अनवसर मतलब है जगन्नाथ जी अभी बुखार का लीला किया है और जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे हैं. जैसे एक रोगी जैसे दवा लेते हैं पथ्य सेवन करते हैं, जगन्नाथ जी ठीक वैसे ही अभी ये लीला कर रहे हैं. कारण हम श्रवण किया था जगन्नाथ जी चाहते हैं वृंदावन जाना, लेकिन लक्ष्मी जाना नहीं जाने देनी नहीं चाहती हैं. इसलिए जगन्नाथ जी को 15 दिन लग जाता है केवल उनको समझाने के लिए. किसी तरह से हमको 1-2 दिन जाने दो. अभी जगन्नाथ जी मानो जहाँ रह रहे हैं ये द्वारका है और जहाँ जाएंगे वो वृंदावन जाएंगे हैं? वो वृंदावन जाएंगे. जब जगन्नाथ जी वृंदावन जाएंगे, अभी वृंदावन जाए तो लक्ष्मी के ऑर्डर चाहिए, नहीं तो हमारा खाना पीना बंद कर देंगे लक्ष्मी. इसलिए उनको समझा रहे हैं अभी ठीक जहाँ जाएंगे वहाँ श्री जगन्नाथ जी मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर है. गुंडीचा किसका नाम है? बोले इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का नाम थी गुंडीचा. इसलिए जब जगन्नाथ मंदिर बन गया, जगन्नाथ जी की स्थापन हो गई, अभी राजा सोच रहे हैं दुनिया तो मेरा नाम लेगा. मंदिर किसने बनाया? श्री इंद्रदुम्न महाराज ने मंदिर बनाया, लेकिन मेरी पत्नी का नाम कोई नहीं लगा. लेकिन वास्तव रूप में विचार कर तो ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रकट हुए, बोले क्यों प्रकट हुए? बोले मेरी पत्नी की वजह से. मेरी पत्नी ने मेरे को बताए नील माधव दर्शन करने के लिए चलो. साधु लोगों ने बड़े सुंदर नील माधव की कथा सुनाई.
इसलिए पत्नी बोलने पर फिर राजा ने विद्यावती को उन्होंने भेजे, जाओ कहाँ पर श्री नील माधव ढूंढ करके आओ। ढूंढते ढूंढते फिर नील माधव जी मिले। फिर नील माधव जी दारु ब्रह्म रूप में श्री जगन्नाथपुरी में प्रकटित हुए हैं। इसलिए उसका जो मूल कारण है मेरी पत्नी गुंडीचा। सारा दुनिया तो लेंगे, राजा की बड़ी जय जयकार होगी, लेकिन मेरी पत्नी का नाम कोई नहीं लेगा। इसलिए ऐसे एक स्मृति मैं रख करके जाऊं, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक मेरी पत्नी की रानी के नाम सब के सब लेते रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये गुंडीचा मंदिर को बनवाए हैं और उसका नाम अपना पत्नी गुंडीचा का नाम पर दिया है। कहते उसको क्या है, बोले वो श्री वृंदावन धाम। अभी जगन्नाथ जी वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जगन्नाथ जी 9 दिन तक वहाँ पर रहेंगे जगन्नाथ जी। लेकिन जहाँ जगन्नाथ जी जाएंगे और रहेंगे उसको वृंदावन मानी जाती है। लेकिन भगवान अपवित्र स्थान में भगवान बैठ नहीं सकते, भगवान केवल पवित्र स्थान पर ही भगवान बैठते हैं। इसलिए महाप्रभु ने एक सुंदर लीला उन्होंने की, गुंडीचा मंदिर मार्जन। वो मंदिर 1 साल तक वैसे पड़ा रहता है, ठाकुर तो जाते नहीं, सब चिड़िया इधर उधर घोंसला बना देते हैं और वहाँ पर सबके सब धूल कंकड़ सबके सब जम जाता है। क्यों, 1 साल से जगन्नाथ जी नहीं जाते हैं। पहले ये नियम था, जगन्नाथ जाने से पहले जगन्नाथ श्री राजा नौकरों को दे करके वो मंदिर को साफ सुथरा करवा देते थे, नौकरों को दे करके। लेकिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए, बोले जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर आकर के बैठेंगे वहाँ पर नौकरों को थोड़ा सेवा नहीं, वहाँ तो सेवा हृदय से होनी चाहिए, हाँ भावना से सेवा होनी चाहिए। नौकरों से सेवा नहीं होता है, नौकरों से ये तो बिजनेस हो गया है, ये भक्ति नहीं। इसलिए भक्त लोग अपना हृदय से ही मंदिर को साफ करनी चाहिए। इसलिए कहते श्री स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, दुनिया को उन्होंने शिक्षा देने के लिए भगवान की सेवा भावना से होनी चाहिए, अपना हाथों से होनी चाहिए। ये चीज को उन्होंने शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने एक दिव्य उन्होंने लीला प्रकट की। महाप्रभु श्री राजा के पास में बोले ये सेवा मेरे को दो। बोले कौन सा सेवा, बोले झाड़ू लगा करके साफ करने का सेवा है। लेकिन हम सबके सब चाहते हैं हम सेवा करेंगे, बड़े बड़े सेवा करेंगे, हैं हम बड़े बड़े सेवा करेंगे, छोटा सेवा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर शिक्षा देते, बोले नहीं, जितना छोटा सेवा करेंगे ना हमारा हृदय में उतना दीनहीन भावना आएगी, हैं। इसलिए मेरे गुरु जी के मंदिर में जब कोई आते हैं, पहले ब्रह्मचारी सबसे पहले उनको टॉयलेट साफ करना और उनका मंदिर साफ करना, बोले इसको मंदिर साफ करो, बोले हृदय में दीनहीन भाव आए। क्योंकि भक्ति कहाँ पर जाकर टिकती है, बारिश तो होती है पहाड़ के सर के ऊपर में, लेकिन पानी टिकती है जा करे कहाँ पर, जहाँ पर नीचा है, हैं। इसलिए महाप्रभु बोले त्रिणा दपी सुनिचे न तरो रपि सहिष्णुना अमानीन अंगमान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए अगर हर समय हरि कीर्तन करना चाहते हो, चारी गुणे गुणी हरि आकर कीर्तन, चार गुण आने चाहिए तुम्हारे, अपना अंदर में दीनहीन भावना आनी चाहिए। त्रिन से भी ज्यादा दीनहीन, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, सबका सम्मान दो, कभी सम्मान की भूखे मत बनो, हैं। और भगवान जिसको सम्मान देना चाहते हैं ना, सारा दुनिया उसको सम्मान देते हैं। और जो बोलता है नहीं हमें प्रशंसा चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमारा नाम होनी चाहिए, दुनिया में उसको कोई नहीं पूछता है, हैं? उनको कोई दुनिया में नहीं पूछते हैं उसको। इसलिए महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने झाड़ू लगाने का सेवा को महाप्रभु मांग करके लिए, और हमारे भक्ति जगत में झाड़ू लगाने का सेवा का तो बहुत महत्व है। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहते हैं, क्या उन्होंने परिचय दिया, भक्ति विनोद ठाकुर मैं नाम हाट का झाड़ूदार, अपना परिचय। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय में, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर
कौन है कति कमल मंजरी, राधा रानी की निज जन है, लेकिन परिचय क्या देते हैं, मैं तो नाम हाट का झाड़ूदार हूं। इसलिए कल हम कथा सुन रहे थे ना, श्री दुखी कृष्णदास को राधा रानी का दर्शन कैसे मिला, झाड़ू लगाते लगाते। गुरुदेव ने कहा बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक तुमको मेवा नहीं मिलेगा, जाओ राधा रानी की सेवा करो, ये राधा रानी की कुंज महल है, रोज राधा रानी सखियों के साथ में लीला करती हैं, जाओ रोज झाड़ू लगाओ। रोज झाड़ू लगाया करते थे, और झाड़ू लगाने पर क्या होता है, उसका धूल उठता है और सारा शरीर में लगता है, कहते वो धूल साधारण धूल नहीं, ब्रज का धूल, कहते जो धूल को उद्धव ब्रह्मा नारद जैसे व्यक्ति एक ब्रज रज की एक धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री रसखान कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहा, केशव के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिन की द्वार बहे बसत है हरिद्वार, बद्री केदार नाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन का जो धूल साधारण धूल नहीं है, इसलिए ये गोपियों की ब्रजवासियों का ये चरण धूलि है, वो धूल अगर शरीर पर लगे हैं, अगर झाड़ू लगाए वहां पर, कभी लौट पोट खाते थे राधा रानी मेरे ऊपर में कृपा करो, फिर क्या हुआ, साक्षात राधा रानी की हैं, राधा रानी अपना चरण के नुपुर छोड़ कर गई है, चरण के नुपुर छोड़ कर गई, उनका राधा चरण नुपुर मिला, फिर उन्होंने अपना हाथों से राधा जी के चरण में उन्होंने धारण कराया। बोले कैसे मिला, बोले झाड़ू लगाते लगाते, केवल झाड़ू लगाते लगाते ये कृपा हुई है। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, जब भक्त लोगों ने बोले राजा अब से मिलना चाहते, बोले नहीं राजा विषयी है, हैं इसलिए हम राजा से नहीं मिलेगा, अगर उसको दर्शन करेगा तो मेरे हृदय में भी विषय भोग की वासना आएगी, इसलिए हम राजा को दर्शन नहीं दे सकते। राजा तो दुखी हो गए, दुखी हो गए, बोले अगर महाप्रभु का अगर कृपा मिला नहीं फिर ये जीवन धारण करके क्या लाभ है। राजा ने बोल दिया अगर राजा महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं कान में कुंडल पहन करके सन्यास लेकर राज्य छोड़कर चले जाऊंगा, क्योंकि जब भगवान की कृपा नहीं मिली फिर राजा बनकर क्या लाभ है, हैं बनकर लाभ किया है। लेकिन जगन्नाथ जी रथ यात्रा में श्री महाप्रभु गए जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा जो राजा हैं गले में गलबहनियां पहन करके एक धोती पहन करके अपना जनता को सामने झाड़ू लगा रहे, राजा राजा स्वयं झाड़ू लगा रहे, इसको देख करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले उत्तम हैया करे अधम सेवन अतएव तुम ही हो जगन्नाथ रे कृपा रे भाजन, मतलब है उत्तम राजा लेकिन उत्तम हैया कर अधम सेवन, झाड़ू कौन लगाते हैं, झाड़ूदार लगाते हैं, हमारे भारत में हैं सबसे जो छोटे जाति के लोग होते हैं झाड़ूदार, वो लोग ये झाड़ू लगाया करते हैं छोटे जाति के लोग, लेकिन कहां राजा और कहां झाड़ू। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले जरूर तेरे को मैं दर्शन दूंगा, जरूर तेरे दर्शन दूंगा, क्यों जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं महाप्रभु, बोले मेरे वजह से तुमने इतने छोटे काम करते हो। महाप्रभु खुश हो गए, बोले दर्शन दूंगा। देव कैसे दर्शन दिया, जब महाप्रभु रथ को सामने नृत्य कर रहे थे वहां पर सात दल कीर्तन था, सात पार्टी में महापुरुष सबको अलग अलग पार्टी बना दिया, सात पार्टी बनाया, मतलब अलग अलग पार्टी बन करके जगन्नाथ जी को सामने सबके सब कीर्तन करते थे। वहां पर श्री राजा प्रताप रुद्र भी, राजा प्रताप रुद्र भी गया था, उन्होंने हठात देखा हर कीर्तन में सात दल कीर्तन है ना, सात दल कीर्तन में महाप्रभु को सात रूप में दर्शन किया, हर दल में महाप्रभु 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 महाप्रभु, लेकिन ये लीला को कोई नहीं दर्शन कर रहे थे, केवल राजा दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, बोले भट्टाचार्य जी देख रहे हो, बोले क्या है, बोले तुम्हें महाप्रभु सब जगह में दिख रहे हैं, यहाँ भी महाप्रभु यहाँ भी महाप्रभु यहाँ भी महाप्रभु यहाँ भी, लेकिन उनको दिख नहीं रहा था, है उनको नहीं दिख रहा था। तब वो बोले
तुम्हारे ऊपर में महाप्रभु का कृपा है। ऊपर से तो तुम्हारे साथ में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हृदय से तुम्हारे साथ में मिल रहे हैं। हमें दर्शन नहीं हो रहे, तुम्हें दर्शन हो रहा है, मतलब तुम्हारे ऊपर में महाप्रभु का विशेष कृपा है। इसलिए ये मत समझो महाप्रभु तुमको ऊपर से बोल रहे हैं हम विषय दर्शन नहीं करेंगे। ये दुनिया को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं। फिर जगन्नाथ जी के रथ को खींचते खींचते वहां पर एक स्थान है श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका, गए देखे होंगे, जहां पर श्री राय रामानंद प्रभु रहते थे। प्रभुपाद का ये भजन कुटी है ना, प्रभुपाद का जन्म स्थान यहाँ पर है, हाँ? पास में तुम लोग गए होंगे, तुम भूल गए हो। वहीं पर जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बल्लभ वाटिका मतलब जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय वाटिका है। वहां पर पहले हर तरह का फल फूल से एकदम लदा हुआ होता था, वहीं से ही तुलसी फूल सबके सब जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जाता था। इसलिए जगन्नाथ जी कभी कभी बड़े सुंदर सुंदर वहां पर लीला करते थे। महाप्रभु भी पूर्णिमा रात में वहीं पर राधा जी के भाव से आकर के श्याम सुंदर को जैसे राधा रानी ढूंढती थी, उसी तरह वहां पर लीला करते थे महाप्रभु। अभी महाप्रभु वहीं पर जगन्नाथ जी आकर के रथ रुकता है, महाप्रभु वहीं पर जाकर के उन्होंने विश्राम किया भक्तों को साथ में जो विश्राम किया। और महाप्रभु का भाव क्या है, मैं वही श्री राधा रानी और श्याम सुंदर कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, हैं छोड़ करके चले गए। अभी जगन्नाथ जी कौन, ये कृष्ण हैं, राधा रानी जो रथ यात्रा की जो भावना है, हम श्री श्याम सुंदर को अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके उनको द्वारका से बा कुरुक्षेत्र से हम ले जा रहे हैं वृंदावन ले जा रहे। महाप्रभु इसी भाव से महाप्रभु रथ यात्रा करते थे। जब महाप्रभु जा करके वो जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में जा करके विश्राम किए, राधा जी की भाव में महाप्रभु पड़े हुए जैसे बेहोश हो करके, इतने में प्रताप रुद्र सब वैष्णव का सेवा करते हैं, सभी वैष्णव लोगों के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था करते हैं। कहते ये कौन है प्रताप रुद्र, कहते जो इंद्रदुम्न महाराज थे जिसने ये जगन्नाथ मंदिर को स्थापन किया। जब महाप्रभु आए कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहाबतरी। जब भगवान आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा धाम और भक्तों को लेकर के आते हैं। इसलिए वो इंद्रदुम्न महाराज भी प्रताप रुद्र बन करके आए, उनका नित्य सेवक है। और उन्होंने अभिन्न जगन्नाथ हैं, ये सचल जगन्नाथ वो अचल जगन्नाथ हैं, इसलिए सचल जगन्नाथ है श्री महाप्रभु। सब भक्तों को महाप्रसाद का सेवा कराते हैं, भक्त लोग हृदय से प्रसन्न उसके ऊपर में हैं। जब भक्त लोग किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए ना, बस भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। क्यों, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय में भगवान का निवास है। अभी भक्त लोगों का भावना है महाप्रभु का कृपा इसके ऊपर में हो, इतने वैष्णव का सेवा कराते हैं राजा। जब महाप्रभु सोए हुए थे इतने में जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, बोले प्रताप रुद्र को बोले बोले जल्दी जल्दी आओ, आकर के तुम एक वस्त्र पहन करके राज पोशाक को त्याग दो और एक वस्त्र पहन करके महाप्रभु का चरण की सेवा करो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के चरण को पलटो। अभी तो महाप्रभु बेहोश होकर पड़े हुए राधा जी के भाव से, अभी तुम गोपी गीत गाओ और महाप्रभु के चरण की सेवा करो। तो उन्होंने गोपी गीत गा रहे थे, क्या गा रहे थे, बोले जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदत्र हि दैतदृक्षताम् दीक्षुता अवकातो धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसि जो दर
श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते अशोकदा असिका बरदनिन्नतो नेहं किं वदा तव कथामृतं ताप्तजीवनं कभिभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदा ततं भुवि गृह्णन्ति ते भोरिदाजना। जब महाप्रभु राधा भाव में लेट रहे हैं, जब उन्होंने ये भजन को गाए उसमें क्या कह रहे हैं, बोले तब कथा मृतम तप्त जीवन। ये जब श्लोक को बोले ना, महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले किसने मेरे को ये अमृत पिला रहा है, हैं? महाप्रभु आंख बंद किए हुए और उन्होंने श्री राजा प्रताप रुद्र को उन्होंने आलिंगन किया, आलिंगन किया, आंख खोल नहीं रहे। बोले क्यों आंख क्यों नहीं खोल रहे, उनको पता है ना ये प्रताप रुद्र है। उन्होंने मना कर दिया, राजा से नहीं मिलेंगे, हैं? लेकिन ऊपर से तो मना की, लेकिन हृदय से बड़े खुश हुए। बोले क्यों, झाड़ू लगाया। किस लिए खुश है, उन्होंने झाड़ू लगाया जगन्नाथ जी के सामने। बोले झाड़ू लगाने का कितने महत्व है भगवान के दरबार में, हैं? इसलिए सब जानते हैं, लेकिन आंख बंद करके कहते किसने मेरे को ये अमृत पान पिला रहे हैं, कौन ये अमृत पिला रहे हैं। क्योंकि उसी समय में महाप्रभु का जो भावना, राधा रानी कैसे, राधा रानी ये गोपी गीत को कब गा रहे हैं, जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, लास्ट में कृष्ण राधा रानी को लेकर के चले गए थे, उनको श्रृंगार वट में श्रृंगार की, वहां पर भी कृष्ण राधा रानी को त्याग दिया। गोपियों ने कहा देखो उनका उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम सबके सब बैठ करके जमुना किनारा में हमसे गोपी गीत हम गाएंगी, हैं? कीर्तन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। जब गोपी गीत में वो जो कह रहे हैं, बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरिडितम, कहते कृष्ण चले गए, जब चले गए अभी भक्तों को आश्वासन व भक्तों को आनंद कौन देगा, तब कह रहे हैं तब कथा मृतम, भगवान की जो कथा और जो भगवान वो एक ही वस्तु अलग नहीं है, उनकी विरह अवस्था में अगर भक्तों को कोई आनंद दे सकता है, कौन आनंद दे सकता है, बोले भगवत कथा दे सकता है। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं, भगवत कथा करते हैं, समझो साक्षात देखना जीवन का सब दुख दूर हो जाता है, जीवन का सारे क्लेश, सारी समस्या, दिमाग के सारे टेंशन खत्म हो जाती। बोले क्यों, बोले भगवान की कथा सुनना और भगवान से मिलना एक ही बात है। इसलिए वो विरह अवस्था में भी जब कृष्ण कथा को कोई सुनाते हैं मन को शांति मिल जाती है, कृष्ण कथा सुन करके लगता है जैसे कृष्ण से ही हमने मिले हैं। इसलिए बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जो हृदय कृष्ण विरह में तप रहा था, कृष्ण कथा सुनने पर हृदय तप्त, हृदय क्या हो जाता है, सुशीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए महाप्रभु उनको ऊपर में कृपा किए। बोले क्यों कृपा किए, कारण एक ही है, उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे थे, जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे थे, मतलब ये झाड़ू लगाने का भगवान के दरबार में कितने महत्व है, इसलिए कितने महत्व है। इसलिए हाँ कथा तो बहुत लंबी है, कैसे जगन्नाथ जी वहां कथा है, एक समय जो पुरी का एक राजा थे जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम देव, अभी और एक था कांची देश है, अभी राजा पुरुषोत्तम देव अभी शादी के लायक ही, मतलब पूर्ण जवान है, और जो कांची का राजा उनका भी बड़ा नाम है, अभी उनकी एक राजकुमारी अभी सोच रही है मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, राजकुमारी सुंदरी है, बोले अभी बेटी को हम किसको साथ में शादी दे। उनने सुना पूरी के जो राजा है, राजा श्री पुरुषोत्तम देव है, बड़े सुंदर है,
और उनका बड़ा प्रभाव है, हैं? इसलिए इनको साथ में अपना बेटी को हम शादी देंगे। उनको पता चला इनका सबसे जो बड़ा फेस्टिवल है श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। बोले चलते हैं, हमारे दामाद होने वाले दामाद कैसे ये उत्सव को करके चलते हैं देखने के लिए। वो देखने के लिए आए, आए तो देखा राजा रथ यात्रा से पहले अपना राज पोशाक को उतार करके एक साधारण धोती पहन करके गले में गलबहनिया लगा करके जगन्नाथ जी को सामने झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। जब उन्होंने देखा होने वाला दामाद ये झाड़ू लगा रहा है, उनको मन में बड़ा कष्ट मिला। बोले भैया अगर हमारे परिवार लोग अगर कभी देखने के लिए आए तुम्हारे दामाद क्या कर रहा है, अगर देखे वो सबके सामने वो झाड़ू लगा रहा है, फिर बोलेंगे इसको तुमने दामाद बनाया जो झाड़ूदार को है जगत में, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। भैया मैं ऐसे झाड़ूदार से अपना बेटी को हम शादी नहीं दे सकते हैं। इसलिए राजा दुखी होकर के चला गया। राजा पुरुषोत्तम ने देखा कि तो बात चला रहे थे शादी की बात, लेकिन ये चुप कैसे हो गए, आगे बात नहीं बढ़ा रहे। इन्होंने एक दूत को भेजा राजा के पास में पूछ करके आ। राजा ने कहा भैया हम तो देखने के लिए गए थे दामाद क्या कर रहा है, हमने देखा सुना था जगन्नाथ की बहुत बड़ा रथ यात्रा है फेस्टिवल, देखा सब जनता को सामने मेन रोड में झाड़ू लगा रहे। भैया मैं एक झाड़ूदार से अपने बेटी को शादी नहीं दे सकता हूँ। भैया हम तो चुप हो गए। वो दूत ने आकर के राजा को इशारे बात बताए। राजा सुन करके उनको बड़ा क्रोध आया, बोले क्या मेरे को झाड़ूदार बताया? हाँ मैं झाड़ूदार तो हूं, लेकिन किसका झाड़ूदार हूं? जगन्नाथ, जगतपति जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूं, हैं? उनको सेवा पाना तो कितनी दुर्लभ है। इसलिए बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जिनकी चरण कमल को हमारी बात छोड़ दो। शंभु स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर, स्वयं गणेश, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की पूजा करती है, हमारी बात छोड़ दो। स्वयं बलदेव प्रभु हैं, वो 10 शरीर से और 5 रसों से और 10 स्वरूप से वो साक्षात जगन्नाथ की सेवा करते हैं। उनका जितने आसन व्यंजन पादुका वस्त्र अलंकार सिंहासन ये कौन है? कि स्वयं बलदेव प्रभु बनेंगे। हम तो अहोभाग्य समझते हैं ठाकुर जी हमारी सेवा को ग्रहण करता है, हमको उसने झाड़ूदार बताया। बोले ठीक है, बोले उसको भेज दिया जाओ राजा को खबर दो, कल ये राजा राज्य के ऊपर मैं आक्रमण करूंगा और राजा को फेल करके डिफीटेड करके उसकी बेटी को लेकर के झाड़ूदार से शादी दूंगा। मेरे को इतने अपमान किया, झाड़ूदार हूं और उनके अंदर में शर्त रहा, इनका इष्ट जगन्नाथ जी और उनका इष्ट गणेश जी। बोले देखो अगर मैं हार जाऊंगा ना, मेरे जो ठाकुर जो इष्ट जगन्नाथ जी उसको लेकर के उनका जो इष्ट गणेश को पीछे बैठेगे, अगर वो हार जाएगा तो उनका जो इष्ट गणेश भंड गणेश उनको ला करके हमारे ठाकुर के पीछे बैठना पड़ेगा। उनके अंदर में ये बाजी ये शर्त हो गया। अभी राजा गए सवेरे सैन्य सामंत लेकर के कांची विजय किया, जा करके घमासान युद्ध हुई दोनों में, हाँ भयंकर युद्ध हुई। लेकिन वो राजा का जो इष्ट जो गणेश है उनको गोद में एक देवी है सिद्धिदाती है, एक सिद्धि देवी गोद में। ये राजा जितने सैनिक को मारते थे वो जो उनको गोद में जो कि सिद्धि देवी बैठी हुई थी वो उतना सैनिक को प्रसव कर रही थी, और जितने सैनिक मरते हैं ना उतना सैनिक जन्म हो रहे थे। राजा बोले भैया जितने सैनिक में मार रहा हूं इतने सैनिक फिर नए नए कहां से आ रहा है, ये तो खत्म नहीं हो रहा है, ये क्या बात है? उनको पता चला इनको पास में एक सिद्धि देवी गणेश जी का है, इनकी ये चमत्कारिता है। राजा वापस आ गए, शाम हो गया, कोई परास्त नहीं हो सके, वापस आए सीधा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए। बोले प्रभु ये जो युद्ध हो रही है ना, राजा राजा में नहीं हो रही,
इसलिए मेरे को अपमान लगा। मैं आपका दरबार में झाड़ू लगा रहा था, उसने मेरे को देखकर झाड़ूदार बताया। ये मेरी इज्जत की सवाल है। अगर मैं हार गया ना, मेरा हार नहीं आपका हार है। फिर आपको याद रखो, आपको जा करके उनका जो इष्ट गणेश को पीछे बैठना पड़ेगा आपको। फिर ये चीज को याद रखो, इसलिए मेरी हार नहीं तुम्हारी हार है। और जगन्नाथ जी बड़े भक्त वत्सल, बड़े भक्त वत्सल है, हाँ। उनके हृदय से थोड़ी सी उनको पुकार तो जगन्नाथ जवाब देते हैं, हाँ, वो आंसर जगन्नाथ देते हैं। इतने में उनको चरण में जब लेट गए ना, जगन्नाथ जी स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए, बोले बेटा कोई चिंता मत करो, कल हम दोनों भाई कृष्ण बलराम तेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए जाएंगे। भगवान स्वयं बोले, अभी एकदम सवेरे सवेरे मंगला होने से पहले कृष्ण और बलराम दोनों भाई अब लोग पुरी गए ना, उनका चार दरवाजा है। अब देखना जो दक्षिण दरवाजा में, हाँ, उस दरवाजे से अगर घुसोगे देखोगे कृष्ण बलराम बैठे हुए, दोनों घोड़े के ऊपर बैठे हुए, और उसी रूप को लेकर के उन्होंने युद्ध करने के लिए गए थे, हैं? वो रूप उस तरफ में बना कर रखे। अभी कृष्ण बलराम एकदम सवेरे सवेरे मंगला आरती होने से पहले दोनों भैया सज धज करके निकल गए युद्ध करने के लिए। अभी राजा गए नहीं, राजा बाद में जाएंगे। जब जा रहे थे रास्ता में एक ग्वालिनी था जिसका नाम था मानकी, वो भगवान की भक्त थी, हैं? अभी भक्तों की भावना देख करके ना भगवान को भी भूख लग जाती है। भगवान तो आत्माराम अब तो काम, उनकी भूख प्यास नहीं, लेकिन भक्तों की भावना को देख करके भगवान को भूख लगता है। भगवान उसको पर एक आशीर्वाद कृपा करना चाहते हैं। वो दही बेच रही थी, वहां की जो दही है ना बड़ा प्रसिद्ध दही है, बड़ी गाढ़ा दही, बड़े मीठा दही। नवद्वीप गए हो? कौन कौन नवद्वीप गए? वहां का दही खाए ना? दही खाए कैसे खाए कि नहीं? दही वहां मिष्टी दही, बड़ा टेस्ट दही है, हाँ? उधर का जो दही है, हाँ? बड़ा प्रसिद्ध दही। और ये तो कृष्ण बलराम बचपन में दही मक्खन खाने वाले, इनका आदत है ही है। इतने में जा करके बोले वो जो ग्वालनी थे, बोले हम दोनों भैया सवेरे कुछ खाए नहीं, भूख लग रहा है, हमको दही खिला दोगी? उन्होंने देखा, देख करके बोले कितने सुंदर है दो बालक है कृष्ण बलराम, बोले आपको नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? उनने पूरा जितना दही था ना वो वही उनका जीविका निर्वाह था। दिन भर दही बेच करके पैसा रोजगार करके अपना संसार पालती थी, लेकिन दोनों भैया सारे दही अकेले खा लिए। बोले पैसा निकालो, दोनों भैया झांके, बोले पैसा तो है नहीं, बोले खाने से पहले सोचा ही नहीं, पहले तो खा लिए, खाने के बाद पैसा है ही नहीं, मैं इसी से तो मेरे संसार चलता है, मेरे कुछ दो। बोले तब उन्होंने जगन्नाथ जी के हाथ में ना था हीरे की, हाँ, हीरे की मुद्रिका थी, उन्होंने इसको निकाल करके दे दिया। लेकिन वो ग्वाल यानी हीरे का क्या कीमत जानती है? बोले पूरा का पूरा दही खा लिया और मेरे को एक पत्थर देकर जा रहे हो, हैं? और हीरे की क्या कीमत जानती? बोले चिंता मत करो, राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं पीछे पीछे, तुम उनको बोल देना मेरे दो सैनिक आगे गए हैं और उनने दही खा कर गए, पैसा नहीं दिया, वो राजा पैसा दे देंगे, हैं? अगर वो नहीं मानते ना, जो मुद्रिका हमने दिया इसको दिखा देना, उन्होंने ये मुद्रिका दे कर गए। इतने में राजा तो सैन्य सामंत को साथ में धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। इतने में वो ग्वालिनी बीच में खड़ी हो, बोले महाराज रुको रुको रुको। बोले क्या बात है? बोले आपका दो सैनिक आगे गए हैं, हैं, और हमारे सारे दही खा लिए, हमें कोई पैसा नहीं दिया। बोले हमारा तो कोई सैनिक गए नहीं, अभी तो हम जा रहे। बोले नहीं, वो दो आपका सैनिक हमें साबुत दे कर गए। बोले क्या है? तो उन्होंने दिखाया ये मुद्रिका। राजा बोले ये तो मैंने जगन्नाथ जी को धारण कराया था, हैं, उसमें जगन्नाथ जी का नाम लिखा हुआ हीरे की। जब सुना मेरे दोनों प्रभु मेरे से पहले चले गए युद्ध करने के लिए और इनसे दही खा कर गए, राजा इतने खुश हो गए। उन्होंने पाल घोड़े से उतरे, उनको प्रणाम किया, बोले तो बड़ी सौभाग्यवती हो, और वो कोई नहीं कहते मेरे प्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ जी और बलदेव प्रभु, तो कितने भाग्यवती जो ठाकुर जी तुम्हारी दही खाए। फिर बोले देखो उसको जो झोली थी ना रत्न से भर दिए। बोले तुम यहाँ खड़े होकर के चारों तरफ में देखो, तुम्हारी नजर जितने दूर तक जा रही है, तुम्हारी नजर
जितने दूर तक जा रही हैं, आज से तुम यहाँ के तो मालकियानी, तुम रानी बनोगी। और उनने तंबे की पत्ते के ऊपर उनको नाम पर सारे स्थान का नाम लिख दिया। अभी भी वो स्थान का नाम है, उसका नाम थे मानकी, हैं मानकी। अभी भी वो गांव का नाम है मानकी पाटना, हमारे उड़ीसा देश में मानकी पाटना उसका नाम पर। जब राजा पीछे गए, देखा सचमुच से भगवान कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे, घमासान युद्ध कर रहे, लेकिन जितने सैनिकों को मारते हैं ना, वो देख रहे उतना सैनिक कहां से प्रकट होते जा रहे, वो खत्म नहीं हो रहे। जगन्नाथ जी देखिए ये क्या बात है, ये सैनिक खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। पता लगाया तो ये गणेश जी का ही चमत्कारी था, उनकी गोद में जो सिद्धि देवी बैठी हुई वही सैनिक को वही जन्म दे रहे थे। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये गणेश जी जितने गड़बड़ी कर रहे हैं। जगन्नाथ जी उठाया धनुष, बोले गणेश जी अगर आप ये सैनिक को जन्म देना बंद नहीं करोगे ना, आपको मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने उठाया धनुष गणेश जी के ऊपर में, गणेश जी कांप गए, बोले प्रभु मेरे को मारना नहीं, मेरे को मारना नहीं, अभी मैं बंद कर देता हूँ। इसलिए गणेश जी जो जन्म दे रहे थे उनको बंद करवा दिया। फिर राजा श्री जगन्नाथ जी सारे सैनिक को परास्त करके राजा को बंदी बना दिए, बंदी बना करके और लाए और श्री राजा श्री पुरुषोत्तम जी चरण में रख दिए, बोले लो जो कुछ करना करो। फिर वहां से राजा ने चार चीज लेकर के आए वहां से, एक तो मयूर सिंहासन जिसको ब्रिटिश ने ले गया, हाँ मयूर सिंहासन बड़ी कीमती चीज जिसमें हीरे जवाहरात जड़ी हुई थी। हाँ वो सिंहासन एकदम मयूर जैसे था, वो सिंहासन बहुत हीरे जवाहरात बहुत कीमती चीज थी, बड़ी प्रसिद्ध चीज थी। हाँ दूसरे चीज लाए भंड गणेश, अभी जगन्नाथ जी पूरी गए देखे भंड गणेश जी को, देखे नहीं जगन्नाथ जी को ठीक मंदिर को पीछे ये है, हैं उनको गोद में वो सिद्धि देवी बैठी हुई। इसलिए दूसरे तीसरी चीज लेकर के आए राधा कांत। अब लोग पुरी में श्री गंभीरामी जो ठाकुर जी है ना कृष्ण, वो ठाकुर जी को लेकर के आए। और चौथा चीज लेकर के आए उनकी बेटी को, हैं बेटी को ला करके उन्होंने दे दिया मंत्री को, बोले महामंत्री ये बेटी को कोई अच्छे झाड़ूदार से शादी करा देना, मेरे को इसी की वजह से अपमान किया है, हैं इसको किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करा देना। लेकिन वो राजकुमारी बहुत सुंदरी थी और राजा को साथ में शादी होने का थी, मंत्री तो सोच में पड़ गए अब इसको शादी कैसे झाड़ूदार से करी, इतनी बड़ी राजकुमारी। लेकिन मंत्री बड़े चतुर थे, वो बेटी को लेकर छुपा दिया राजकुमारी को, हाँ छुपा दिया। जो एक साल के बाद में फिर राजा क्या करते, झाड़ू लगाते मंदिर को सामने, जब झाड़ू लगा रहे थे ये बेटी को बड़ी सुंदरी दुल्हनी बना दिया, सजा दिया, पालकी में बैठा दिया और उसको हाथ में एक माला दे दिया, बोले जाओ राजा झाड़ू लगा रहे हैं उनको गले में माला डाल दो। जब गला में माला डाली राजा ने, बोले मंत्री मैंने कहा था आपको इसको किसी अच्छे झाड़ूदार से साथ दिलाने के लिए, बोले महाराज जी आपसे कोई बढ़िया झाड़ूदार कोई होगा, हैं आप सबसे बढ़िया झाड़ूदार कौन, आप ही हो क्योंकि ठाकुर जी का झाड़ूदार है। जब सब मंत्रियों ने बोले कृपा करके आप इनको स्वीकार करो, आपके साथ में इनकी शादी होने का था, राजा ने वो को राजकुमारी को स्वीकार किया। देखो भगवान के दरबार में झाड़ू लगाने का कितने महिमा, भगवान स्वयं उसकी इज्जत को रक्षा करने के लिए कृष्ण बलराम रूप में जाकर के युद्ध करते हैं, झाड़ूदार की इतनी महिमा। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले जत किं करि सु बहुस खड़ुकाक वाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा वृषभा वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांग निमार्जनी श्याम। इस श्लोक को गुरुदेव बहु हर्ष में जब वंदना करते थे गुरुदेव ये श्लोक को बोलते थे, बोले क्या बोलते थे, बोले प्रभु मेरा ऐसे कब सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य, बोले जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई और अपना सखी मंजरी को बोल देती है खबरदार किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने मत देना, हैं तुम्हारी जो भुरुरु काली है ना इसको भी चंदन से सफेद बना दो, जो चोटी काली फूलों की माला से उसको भी
सफेद बना दो, कोई काले चीज हम देखना नहीं चाहता है। इतने में कृष्ण स्वयं जाकर के जो मंजरी सखियां बाहर खड़ी हुई उनका हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हमें थोड़ा श्री श्याम सुंदर से हम श्री राधा रानी से हमें मिला दो। बोले जिस कुंज महल में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई, क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस झाड़ू से गोपियां वो कुंजों को साफ करती हैं, वो झाड़ू का एक सलाका मैं बन पाऊंगा। सलाका समझते, एक स्टीक क्या मैं कभी बन पाऊंगा। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? श्री प्रबोधानंद तुंग विद्या सखी है। मतलब भगवान के कुंज महल में जिस झाड़ू में उसको झाड़ू लगाते उसके सलाका बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए ब्रज में कोई साधु था, झाड़ू होता है ना नारियल का झाड़ू, उसको झाड़ू लगाते हैं। तुम्हारी सूरीनाम में झाड़ू लगाते हैं, सूरीनाम में झाड़ू लगाते देखना, झाड़ू धीरे धीरे खत्म होता है, लगाते लगाते खय होता है, खय होता तो जो छोटा छोटा रह जाता है। फिर वो साधु क्या करता था, बोले देखो ये झाड़ू साधारण है, जिस झाड़ू से वृंदावन में झाड़ू लगाया, ये ब्रज रानी, ये वृंदावन धाम से ब्रज रज रानी है, इनकी सेवा इसने जिंदगी भर किया है, हाँ ये सेवा किया है। अभी सेवा करते 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 करके खत्म थोड़ी सी रह गया, वो गड्ढा खोद करके उसमें समाधि दे देती। मतलब ये झाड़ू कोई साधारण नहीं, जिसने सारा जीवन उन्होंने वृंदावन की रज को जिसने साफ किया है, है? इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग सबके सब श्री राधा रानी की कुंज महल की झाड़ूदार बनने के लिए हैं। कभी कभी सखियां झाड़ू से और कभी कभी अपना चूल होता है ना केस साफ करती थी, झाड़ू केस को कुंज में साफ करती थी। कृष्ण जब चरण धोते थे जैसे हम कपड़े से चरण पोछते हैं ना, कभी कभी गोपियां अपना केस को लेकर के कृष्ण का चरण पोछते थे। इसलिए महाप्रभु ने कौन सा सेवा मांग करके लिया, झाड़ू लगाने का सेवा उन्होंने मांग लिया, हमें झाड़ू लगाने का सेवा दो। इसलिए महाप्रभु कैसे भक्तों को साथ में कैसे जाकर सेवा करेंगे और किस रूप में करेंगे हम इसको कल सुनेंगे। और इसलिए प्रभुपाद इसी के ऊपर में बड़े सुंदर टीका लिखते हैं, गुंडीचा मंदिर क्या है, महाप्रभु ने ये लीला क्यों की, गुंडीचा मंदिर मार्जन का तात्पर्य क्या है, भगवान कहाँ जा करके बैठेंगे, वो मंदिर जब तक साफ सुथरा नहीं होगा भगवान जाकर बैठ नहीं सकते हैं, वो हृदय में क्या हमारी गंदगी है और उसको कैसे हम साफ करें, जिसमें एक दिन स्वयं श्याम सुंदर आकर के हृदय रूपरेख में बैठे तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए इस बात को हम कल सुनेंगे, ठीक है। वांछागल तुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बंद कर। अच्छा सुंदर धन्यवाद करता है।
झाड़ लगाने।